हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं शाम के टाइम की वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, नहीं तो मॉर्निंग की बनाती थी। गुड मॉर्निंग बोल रही थी, आज इवनिंग पहली बार बोला हुआ वीडियो में। तो मैं आज गाय को दूने का दिखाती हूँ आपको, गाय से मैं दूध कैसे निकालती हूँ। अभी उसको फीड वगैरह, ये फीड भिगोई हुई गाय की ना, ये फीड भिगोई हुई। अब इसमें भूसा मिलाएंगे हम, कणक का निकला हुआ ना उसको मिलाएंगे, वो दिखाएंगे फिर आपको ना। और दूध तो वो सारी वीडियो देखना आप, है ना। बाकी ये देखो, ये फीड है इसको ना जी, है ना, मिक्स कर रहे हैं इसमें भूसा ला के ना। अब मिक्स कर रहे हैं, अब गाय के पास रखेंगे और फिर गाय खाती रहेगी, मैं दूध निकालती रहूँगी। देखते रहो आप, पूरी वीडियो देखना है आपने और मैं दिखाऊंगी अभी आपको। ये देखो, ऐसे मिक्स करना पड़ता है बड़े आराम से ना। पूरा मिक्स करके सारी जो फीड हमने भिगोई ना, सारी इसमें भूसे में मिक्स हो जाए अच्छे से। आज होगा इस देखते हैं। ये हमारी गौरा है और ये वृंदा है साथ में, दोनों जड़ी बोली जल्दी लाओ खाने के लिए। पहले गाय के ना ये धोने पड़ते हैं, थान धोने पड़ते, साफ करने पड़ते हैं, सॉरी धोने नहीं साफ करने पड़ते हैं। ए देखो पानी से सारे धो लो चारों थनों को, ए देखो बढ़िया करके ठीक रहता है ना। ए देखो सारे धोरी, ये देखो धोरी में सारे, ए देखो ठीक है। अब पानी का निकल गया। अब मैंने थोड़ा सा ना तेल रखा हुआ है यहाँ पे बोतल में ना सरसों का, ये सारा मैंने चारों थनों में लगाना है इसके, क्योंकि फिर ना धूने में आसानी रहती है। ऐसे चारों थनों में मैंने सारा तेल अच्छे से लगा लिया। अब लगा लिया, पानी भी निकल गया, तेल भी अच्छे से लग गया हुआ है। अब मैं दूध निकालना शुरू करती हूँ आराम से बैठ के पटड़े के ऊपर। आराम से धोने के लिए ना ठीक रहता है, तेल लगाया होता है ना, बिल्कुल मुलायम बढ़िया करके अपने आराम से निकालते रहो। अब पटड़े के ऊपर बैठ के, ऐसे तो नहीं बैठा जाता, पटड़े के ऊपर बैठ के आराम से अपने दिखते रहो। अभी दिसंबर में होनी है 1 साल की, अभी बच्चा है छोटी सी वृंदा हमारी। अरे हमारी गौरा रानी खा रही है अपना चारा जो मुख पास दिया हुआ फीड और भूसा मिक्स करके उसको खा रही है। ये कट्टा बिछाना पड़ता है नीचे, नीचे तो नीचे फेंकती है। खैर नीचे तो हमारे पक्का है ना, सीमेंटेड है, पर फिर भी ये बन के चलो इसके ऊपर ठीक रहता है आराम से। फिर तसले में डाला और खाती रहे। एक थाल खाली हो गया वो ना, अब एक बना हुआ थोड़ा सा इसके निकाल लिया।
ये तेल से ना बड़ा इजी रहता है और इनके थन भी मुलायम रहते हैं ना, नहीं तो फटते हैं ना आगे। खैर आजकल तो नहीं फटते ना, आगे फटते, पर मैं आजकल लगाती हूँ तेल और आगे ठंड आएगी फिर लगाती हूँ घी थानों में, इनके बढ़िया रहता है। आजकल ठंडा पानी लाती हूँ ठंड होने के लिए, आगे ठंड ठंड में गर्म पानी, गुनगुना पानी। ऑलमोस्ट मैंने बस अब एक खंड से रहा हुआ निकालने को निकालूंगी और फिर मैंने निकाल लिया दूध सारा। आजकल बारिश हो रही है, गाय चरने भी कम जा रही है ना, तो दूध भी उतना रखी थी, इसको आदत चरने की, जितना चरेगी ना उतना सही से देगी दूध, घर में जितना मर्जी घास खिला लो उसको, चरने की इसको आदत है। एक खंड मेरा हुआ, थोड़ा थोड़ा और निकालूंगी सारों में से, बस हो जाएगा। अब गाय धोने के बाद मैं हाथ धो रही हूँ अपने, दूध की बाल्टी मैंने रख दी हुई ऊपर साइड में, और मैं क्या हाथ धो लेती हूँ। बाल्टी ये रख दी हुई मैंने ऊपर, और गाय से आजकल ना पशुओं में बहुत सारे मच्छर लगते हैं, बहुत लगते हैं, मतलब पशु मेरे गाय गौरा जाती है ना चरने के लिए, इतने सारे मच्छर मक्खियाँ चली जाती ना कि अति हो जाती है गाय को, तो हमने इसके लिए एक स्प्रे बनाया हुआ है, ये रखा हुआ बॉटल में, ये देखो इस बॉटल में रखा हुआ स्प्रे किया सुबह और फिर गाय को खोला चरने के लिए। इसमें आप नीम, नीम के ढेर सारे पत्ते ला रख के रखे हुए हमने भी, पानी में नीम डालो, तेज पत्ता डालो, लौंग डालो इस उसमें पानी में, आप खूब उबालो उस पानी को, फलता करो उसको, फिर ठंडा हो जाएगा ना पानी, ठंडा हो जाएगा इसमें, तो फिर इस स्प्रे बॉटल में डालो, हल्का सा हो सकता है ना हल्का सा सिरका डालो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालो सिरका डालो उसमें, तब आप ना स्प्रे करो गाय के लिए, सही रहेगा, एक भी मच्छर नज़दीक नहीं आएगा गाय के। और गाय जो हमारे देखो बारिश हो रही है ना, सारी मक्की ख़राब होगी, ये देखो आप वाली साइड को, ये देखो आप वाली साइड को सारी मक्की ख़राब होगी, सारी मक्की देखो आप, खराब हो रही है, जब अगर मौसम ठीक हो जाते तो हो जाएगी कुछ, अगर नहीं होगी तो ऐसे नीचे गिरती रहेगी, गिर जाएगी सारी खेत में, क्योंकि नीचे से मिट्टी बिल्कुल ऐसी होगी हुई ना, सारी गिर जाएगी, पल्ली साइड को तो गिर भी गई हुई एक दो, देखो दो चार गिर गई हुई, और इतनी बारिश हो रही थी ना, हमने केले लगाए हुए ऊपर, केले के पौधे लगाए हुए बड़े बड़े, बल्कि फल भी देते बेचारे, अब ये एक केला नीचे वाला गिर गया था हमारा, तो इसको गड्ढा करके मिट्टी खूब सारी डाल के फिर इसको ऊपर को खड़ा कर दिया हुआ है, ये हमारे केले का बगीचा है ऊपर साइड को, पर बारिश इतनी हो रही है कुछ भी हो नहीं पा रहा है, क्या करें, देखो ऐसे गिर गया था बेचारा पूरा ये खेत हमारा ऊपर को, है देखो कुछ नहीं होना इस बारी तो, बड़े बुरे हाल है, कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा, बड़ी मुश्किल है। और गाइज मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, आप अपने रिश्तेदारों को, ढेर सारे रिश्तेदारों को भेजो मेरी वीडियो, ताकि बहुत सारा प्यार मिल सके, और कोई कमी हो तो वो भी बताते रहो, बाकी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।